मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा एक पर्सनल काम अटका हुआ है, उसके लिए मुझे कुछ बैटरीज की जरूरत है। मुझे पता चला कि वो ऊपर तुम्हारे कमरे में मिरर के बगल वाले ड्रॉर में वो बैटरीज है। मैं तुम्हारी किसी भी पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाना चाहता, तो क्या तुम उस ड्रॉर में से मुझे वो बैटरीज? मैं लेके आता हूं। ऐसा कुछ कर दो भगवान कि मैं गलत साबित हो जाऊं। वीर नंदा ने कलाई बंद उठा लिया है, मतलब यही हीरो है। ये रॉकी का ब्रेसलेट यहां कैसे आ गया? इसका नहीं है ये कलाई बंद, तो फिर किसका है? रॉकी से एक चीज नहीं संभाली जाती है, यहां कैसे आया ये? जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सही है? क्या आपने मुझसे हर चीज के बारे में झूठ बोला? क्या चल रहा है ये? सेल्फी खींच रहे हो? इडियट्स। हाँ तांबे तू भी। चार चीज वड़ा पाओ, दो स्पेशल कटिंग, जल्दी बोल दे मैडम के लिए। चार चीज वड़ा पाओ, दो स्पेशल कटिंग, फटाफट। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। अरे नहीं मैडम, आप पहली बार हमारे पुलिस स्टेशन में आई हो तो आपको ऐसे कैसे जाने दे? अब बैठिए ना, बैठिए ना। पंतू अंदर भी नहीं है, पर यहाँ आते हुए तो देखा था मैंने, कहाँ गायब हो गया? वैसे कुछ काम था आपको, आप पुलिस स्टेशन आई हो हमारे पास? काम? हाँ हाँ, बताती हूँ ना क्या काम था। बताती है जारा बेबी, तुमने ना मेरी ये बिजली वाली पावर देखी नहीं है अभी।
लट्टू हो जाओगी, फिर अपना दिल लेके मेरे पीछे पीछे घूमोगी। मैं भाव खाता खाता ना आगे भागूंगा। मेरा अनुमान गलत निकला, ये नंदा असली हीरो नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी उस असली हीरो को ढूंढना होगा और उसके लिए मुझे वीर नंदा से वो पहली सुलझवानी होगी। देखा नकली फूफा जी, देखा आपने कैसे बिजलियां फेंकता हूं मैं, बहुत तेज। मैंने ना गूगल भी किया था, मैं हूं कलयुग का इंद्रदेव। नहीं, तुम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? ताकत संभाली नहीं जाती तुम लोगों से। हर बात पे वायलेंस की क्या जरूरत होती है? मुझे लगा हम एक टीम में है, इसको हटा दो प्लीज। जिंदगी बख्शी है मैंने तुझे, मेरे खिलाफ जाने की सोचना भी मत। मेरे अधीन है तू, अब जब तक मैं ना कहूं तू अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, वरना इसको हटा दो। मेरी बात मानेगा तो इनाम मिलेगा, अब जब कभी कहूं तो तैयार रहना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।